हेलो दोस्तों, संदीप आगर मोर ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियोस की नई श्रृंखला मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी इन हिंदी। इस सीरीज में आप पढ़ेंगे एनाटॉमी के डिफरेंट टॉपिक्स को हिंदी में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्जिला। एक्जिला जो होता है वो आपका एक पिरामिडल स्पेस होता है जो कि सिचुएटेड होता है आपके नेक का रूट है वहाँ से लेकर अपर आर्म के बेस तक। तो आइए हम देखते हैं, जो एक्जिला होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन एपेक्स, नंबर दो बेस, नंबर तीन बाउंड्रीज। तो जो बाउंड्रीज होती है ये फिर से हमारी, इसमें चार बाउंड्रीज होती है। नंबर एक एंटेरियर बाउंड्री, नंबर दो पोस्टेरियर बाउंड्री, नंबर तीन मीडियल बाउंड्री, नंबर चार लेटरल बाउंड्री। तो ये हमारे एक्जिला में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, समझने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं। तो अभी हम आपको डिटेल्स में अब बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं उसके बारे में। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारा जो एक्जिला होता है वो उसका शेप होता है फोर साइडेड पिरामिड के जैसा। फोर साइडेड पिरामिड कैसा होता है? और एक फेस इसके पीछे होती है। तो इसमें चार साइडेज होती है, एक साइड ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी इसके पीछे वाली ये। तो इसमें चार साइडेड होते हैं हमारे जो एक्जिला है उसमें। इसमें एक अपेक्स होता है और इसका एक बेस होता है। तो जो हमारा एक्जिला है वो बॉडी में हॉरिजेंटली ना होकर ऑब्लिकली होता है। इस टाइप से ना होकर ये इस टाइप से सिचुएटेड होता है। जैसे हमारी बॉडी है तो जो एक्जिला है वो इस डायरेक्शन में होता है, मतलब हमारे नेक के रूट से लेकर यहाँ तक जो स्किन होती है आर्म की। तो दोस्तों जैसे कि एक्जिला एक्चुअली में ऑब्लिकली बॉडी में सिचुएटेड होता है, इसका जो अपेक्स होता है ये एक्जिला का अपेक्स पिन पॉइंटेड जैसा इस पिरामिड में लिख रहा है ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में ये क्या होता है कि ये ट्रंकेटेड होता है, ये केनाल बनाता है जिसे हम सर्वाइको एक्सिलरी केनाल बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये वास्तविकता में कैसा दिखता है। तो इसे तीन बाउंड्रीज से घिरा हुआ होता है। ऊपर पोस्टीरियरली ये स्केपुला के जो सुपीरियर बॉर्डर होती है उससे घिरा हुआ होता है। मीडियली ये हमारी जो रिब होती है, फर्स्ट रिब की जो लेटरल साइड होती है उससे घिरा हुआ होता है। और एंटीरियरली ये क्लेविकल कि पोस्टीरियर मार्जिन से घिरा हुआ होता है। तो हमारा ये जो ट्रायंगुलर स्पेस है ये होता है एक्जिला का एपेक्स। इसको बोलते हैं हम, ये जो केनाल है इसको हम बोलते हैं सर्वाइको एक्जिलरी केनाल। इस केनाल से होकर दो चीज़ें मेनली इंटर करती है, एक तो ब्रेकियल प्लेक्सस और दूसरा एक्जिलरी आर्टरी। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा एक्जिला है में कितनी बाउंड्रीज होती हैं। तो इसकी जो इसमें जो है चार बाउंड्रीज होती है, उनका डायग्राम बना के हम आपको बताएंगे। हाँ तो दोस्तों जो हमारा एपेक्स होता है वो हो गया। उसके बाद में होता है बेस। तो इसका जो एक्जिला का बेस होता है वो जो होता है सुपरफिशियल स्किन और सुपरफिशियल फेशिया के द्वारा बना हुआ होता है। इसके बाद में आती है इसकी सरफेसेस। तो इसकी सरफेसेस जो होती हैं उसके लिए हम आपको डायग्राम बनाते हैं पहले।
तो दोस्तों इस देख रहे हैं आप, ये आपका जो एक्जिला है उसमें ये इसकी इंटीरियर वाल के बारे में हम बना रहे हैं। तो इसकी जो इंटीरियर वाल होती है, इसकी इंटीरियर वाल मेनली बनी होती है पेक्टोरिस मेजर मसल से। ये जो आप बड़ी सी यहाँ मसल देख रहे हैं, ये है पेक्टोरिस मेजर मसल। तो एक्जिला की जो इंटीरियर वाल होती है वो मेनली बनी होती है कैसे, पेक्टोरिस मेजर मसल से। और दूसरी चीज होती है जो सबक्लेवियस मसल होती है उससे, और जो पेक्टोरिस मेजर मसल होती है उनको घेरने के लिए एक फेसिया होता है, तो उसके द्वारा ये बनी होती है इसकी एंटीरियर वॉल। ये फेसिया सबक्लेवियस और पेक्टोरिस माइनर को जोड़ने वाला फेसिया जो होता है, इसके द्वारा इसकी वॉल बनी होती है। ये आपकी पेक्टोरिस, ये सब क्लेवियस मसल है, ये सब पेक्टोरिस माइनर मसल है। तो इन दो मसल्स के जो फेशिया है उनके द्वारा, और जो पेक्टोरिस मेजर मसल है इसके द्वारा एंटीरियर वाल इसकी बनी हुई होती है। इसकी जो पोस्टेरियर वाल होती है वो तीन मसल से मिलकर बनती है। एक मसल होती है सब स्केपुलर मसल जो कि स्क्रेट प्लाक से निकलती है, दूसरी होती है टेरस मेजर मसल, और तीसरी होती है, इसलिए इसकी जो मसल होती है वो होती है लेटिसमस डोर्सी मसल। तो ये जो है वो लेटिसमस डोर्सी मसल है। तो इस तरीके से ये आपका जो है पोस्टीरियर वाल और एंटीरियर वाल होती है। ये एंटीरियर वाल हो गई इसकी, और इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। ये इसकी पोस्टीरियर वॉल है। तो इसकी जो इंटीरियर वॉल आप इसमें देख रहे हैं, इस डायग्राम में इसकी इंटीरियर वॉल मेनली बनी हुई है ये पेक्टोरिस मेजर मसल, उसके बाद में जो फेशिया है सबक्लेवियस और पेक्टोरिस माइनर को क्लोज करने वाला, जिसके द्वारा सबक्लेवियस और पेक्टोरिस माइनर मसल घिरी हुई रहती है, उसके द्वारा इंटीरियर वॉल इसकी बनी हुई होती है। पोस्टीरियर वॉल जो है इसकी दो चीज़ों, तीन मसल से मिलकर बनी हुई है। नंबर एक सब स्केपुलर मसल, दूसरी टेरेस मेजर मसल, तीसरी लेटिसमस डोर्सी मसल। तो इनके द्वारा पोस्टीरियर वॉल इसकी बनी हुई है। हमारा जो एक्जिला होता है इसकी दो बाउंड्रीज और हैं, जो कि है एक तो मीडियल बाउंड्री और एक है लेटरल बाउंड्री। तो जो मीडियल बाउंड्री है वो बनी हुई होती है फोर रिब्स जो होती है, अपर फोर रिब्स, उनसे, और उनकी जो मसल्स होती है इंटरकॉस्टल मसल जो होती है इनसे मिलकर बनी होती है। इसके बाद में जो लेटरल वाल है वो बहुत ही थिन होती है, क्योंकि जो इंटीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्री जो होती है वो इसमें मिली हुई रहती है। तो इस तरह से चार बाउंड्रीज से एक्जिला जो है वो घिरा हुआ रहता है। अब इसमें हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। दोस्तों जो एक्जिला होता है उसमें मेनली होती है एक्जिलरी आर्टरी, जो कि यहाँ पर बीच में सिचुएटेड होती है, ये एक्जिलरी आर्टरी होती है। उसके बाद में एक्जिला में जो होती है एक्जिलरी वेन्स होती है, इनकी ब्रांचेस होती हैं। इसके बाद में इसमें होती है इंफ्रा क्रैविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सेस। उसके बाद में फाइव ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं। उसके बाद में इसमें होती है लॉन्ग थोरेसिक एंड इंट्रा कोस्टल कोस्टोब्रेकियल नर्व जो होती है इसके अंदर सिचुएटेड होती है। दोस्तों हमारा जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं आप तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर